बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो आर्टिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आप क्लास सेकेंड ईयर में नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, और एक आर्टिकल जो रिलेटेड टू नर्व इम्पल्स है, दैट इज़ साइनैप्स। साइनैप्स में वो मैकेनिज्म दिखाया जाता है जिसके थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है। आज जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू साइनैप्स। इसमें हम देखेंगे कि पीएमसी इस आर्टिकल को कितना वेटेज देता है और किस तरह के क्वेश्चन इस आर्टिकल से बन सकते हैं या पास्ट पेपर में इस आर्टिकल से क्वेश्चन आ चुके हैं। चलें जी, हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ साइनैप्स? सबसे पहले हम इसी चीज़ को ले लेते हैं कि साइनैप्स है क्या, साइनैप्स की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली साइनैप्स के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। अब एक गलत इंटरप्रिटेशन दी जाती है साइनैप्स के बारे में कि दैट इज़ अ गैप। गैप साइनैप्स का एक पार्ट है जिसको हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट का नाम देते हैं। इस साइनैप्स के लिए ओवरऑल हम टर्म यूज़ करते हैं, इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब इसी तरह हम इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट होती है, और जब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं, आपने क्लास अपने लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में पढ़ा होगा कि एक न्यूरॉन की दो तरह के एक्सटेंशन होते हैं, एक डेंड्राइट है, एक एक्सोन है। डेंड्राइट का काम है इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को, स्टिमुलस को रिसीव करके उसको ट्रांसपोर्ट करना टुवर्ड द सेल बॉडी, और सेल बॉडी से आगे का काम जो होता है वो एक्सोन लेके जाता है। इसका मतलब जहाँ पे साइनैप्स डिवेलप हो रहा है वहाँ पे एक तरफ से एक्सोन इन्वॉल्व होगा, दूसरी तरफ से डेंड्राइट इन्वॉल्व होंगे। तो इसी तरह हम इसकी डेफिनेशन में ज़रा चले जाते हैं कि हमारे पास क्या है, एक तरफ क्या मौजूद है, एक्सोन मौजूद है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, डेंड्राइट मौजूद है। डेंड्राइट का काम क्या है? डेंड्राइट का काम है मैसेज को आगे लेके जाना। इसका मतलब डेंड्राइट बेसिकली मैसेज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैसेज कहाँ से मिला था? मैसेज बेसिकली मिला था हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर से? हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं, दीज आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन दे दी किसको? एक्सोन को या किसी न्यूरॉन को। न्यूरॉन ने अब इन इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है और इसको आगे ट्रांसपोर्ट करना है। तो सिंपली हम कहते हैं कि एक नर्व सेल या न्यूरॉन का दूसरे नर्व सेल के साथ या न्यूरॉन के साथ जो जंक्शन होता है उसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज साइनैप्स। एक बार फिर ये बात रिपीट कर दूं, दो न्यूरॉन इन्वॉल्व हैं, एक न्यूरॉन का एक्सोन, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट इन्वॉल्व है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर का, जो 2019 के पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से थे। यहाँ पे मैं आपके सामने तीन ऑप्शन लिख रहा हूँ, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। ऑप्शन कौन कौन से थे जी? पहला ऑप्शन था हमारे पास एक्सोन एंड एक्सोन, दूसरा ऑप्शन था हमारे पास डेंड्राइट एंड एक्सोन, तीसरा ऑप्शन था हमारे पास एक्सोन एंड डेंड्राइट, और चौथा ऑप्शन था हमारे पास डेंड्राइट एंड डेंड्राइट। तो सिंपली क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया था, इस ऑप्शन के साथ इन ऑप्शन में किस तरह का क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। कि जब एक नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, तो स्ट्रक्चर कौन कौन सी और किस सिमेट्री में इन्वॉल्व है। तो अभी हमने बात की कि पहला एक्सोन है, दूसरा क्या है, बेसिकली डेंड्राइट। इस जो पहला न्यूरॉन है उससे मैसेज आ रहा है और नेक्स्ट न्यूरॉन का काम है रिसीव करना और इसने मैसेज को आगे ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन को हम देख लेते हैं, एक्सोन एंड एक्सोन। तो ये बहुत कम सिचुएशन ऐसी है हमारी बॉडी के अंदर जहां पे दो एक्सोन के दरमियान साइनैप्स बन रहा होता है, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट के अंदर हम एक्सोन एंड एक्सोन नहीं ले सकते। दूसरे ऑप्शन पे आ जाएं, डेंड्राइट एंड एक्सोन। बेसिकली साइनैप्स के अंदर पहले डेंड्राइट नहीं आ सकता, डेंड्राइट बाद में आएगा, एक्सोन पहले आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन वाज द करेक्ट वन, जिसमें क्या था,
कि पहले एक्सॉन दिया गया था और बाद में क्या दिया गया था, डेंड्राइट दिया गया था, तो उस क्वेश्चन में ये ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन था। अब आ जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ कि हमारा जो साइनैप्स होता है एक सेल का, एक दो न्यूरॉन के अंदर, उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, इनको ज़रा डिटेल में हम समझते हैं, फिर इसके साथ साथ रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे हम उनको भी डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहला कॉम्पोनेंट जो मौजूद होता है इन अ साइनैप वो क्या होता है, दैट इज प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। सेकेंड स्ट्रक्चर जो हमारे पास मौजूद है दैट इज रिलेटेड टू प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, इसमें क्या होता है हमारे पास, दीज आर साइनैप्टिक वेसिकल्स। थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सी होती है, दैट इज नोन एज साइनैप्टिक क्लेफ्ट। फोर्थ स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सी होती है, दैट इज पोस्ट साइनैप्टिक मेंबर, न्यूरॉन की टर्म यूज कर लेते हैं यहां पे हम। दीज आर द मेजर स्ट्रक्चर, वन प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, सेकंड साइनैप्टिक वेसिकल, थर्ड साइनैप्टिक क्लेफ्ट एंड फोर्थ वन पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। दीज आर द मेजर स्ट्रक्चर व्हिच आर इन्वॉल्व इन आवर साइनैप्स। अब हम एक डायग्राम के साथ इन स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और वहीं हम क्या करेंगे, कुछ MCQs भी डिस्कस कर लेंगे। डायग्राम में जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं देयर इज अ स्ट्रक्चर जो कि क्या कहलाती है, एक एक्सॉन का पार्ट है, जस्ट लाइक दैट, दैट इज एन एक्सॉन। और ये एक्सॉन किसकी स्ट्रक्चर होगी, अकॉर्डिंग टू आवर कंपोनेंट जो हमने कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, प्री मीन बिफोर एंड पोस्ट मीन आफ्टर। साइनैप्स इज अ जंक्शन, एक न्यूरॉन जंक्शन से पहले है, एक न्यूरॉन जंक्शन के बाद है। तो जंक्शन से पहले का जो न्यूरॉन है उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। तो ये जो एक्सॉन होगा दैट विल बी अ कंपोनेंट ऑफ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन जो कि साइनेप्सिस से क्या है, पहले मौजूद है। और इसकी मेम्ब्रेन के लिए भी हम टर्म यूज करेंगे प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। अब प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन को ही हम क्यों मेंशन कर रहे हैं, इसका डिस्कशन, इसके बारे में जो डिस्कशन है हम आगे जाके डिटेल देखते हैं कि इसका यहाँ पे क्या रोल डिस्कस है हम करते हैं। फिर आगे सेकेंड स्ट्रक्चर हमारे पास जो कि सेकेंड न्यूरॉन का पार्ट होगा, दैट विल बी ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज रिलेटेड टू एन डेंड्राइट। दैट वन इज अ डेंड्राइट जो कि कहाँ मौजूद है, आफ्टर द साइनैप्स, दैट इज नोन एज डेंड्राइट। और इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, ये किस न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा, पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, वो न्यूरॉन जो साइनैप्सिस से बाद मौजूद है उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जो कि कहां मौजूद है, दैट इज प्रेजेंट आफ्टर द साइनैप्स। अब साइनैप्स क्या है, इस पॉइंट को जरा हम क्लियर करते हैं। साइनैप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, एक न्यूरॉन जो कि मैसेज को लेके आ रहा है, इसका मतलब है जो मैसेज आ रहा होगा फ्रॉम दैट इन दैट डायरेक्शन, हम रेड एरो से उसको शो कर रहे हैं, मैसेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा फ्रॉम अ न्यूरॉन टू द साइनेप्सिस, और फिर साइनेप्सिस से ट्रांसपोर्ट होके वो आगे कहाँ पहुंचेगा, इनटू द नेक्स्ट न्यूरॉन जो कि बेसिकली क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन उन इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेगा तो उसको आगे ट्रांसपोर्ट करेगा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा कि हम एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन को पढ़ चुके हैं, हमारे पास 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 इज स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, दैट इज अ चेंज जो कि किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोवोक करेगा कोई ना कोई रिस्पॉन्स। स्टिमुलस को रिसीव किया किसने, रिसेप्टर्स ने। अब रिसेप्टर्स उन्हीं इंफॉर्मेशन को थ्रू द नर्व, थ्रू द न्यूरॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ कोऑर्डिनेटर जिसने उस स्टिमुलस को इंटरप्रीट करना है, और रिलेटेड टू दैट स्टिमुलस उसने रिस्पॉन्स को क्या कर देना है, बेसिकली प्रोड्यूस कर देना है। अब ये जो बात हम करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ नो इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो किसके थ्रू होता है, जंक्शन कौन से होते हैं, दैट इज साइनैप्स। अब साइनैप्स पे आते हैं, हमारे पास एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट हो गया, एक्सॉन के बाद दैट स्ट्रक्चर दैट इज टर्म्ड एज साइनैप्टिक नॉब। याद रखिएगा
साइनेप्टिक नॉब हमेशा पार्ट होगा उस एक्सॉन का जो कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का है, जिसका काम है मैसेज को लाना टुवर्ड द साइनेप्सिस। यहाँ पे एमसीक्यू किस तरह का बन सकता है इसको हम डिटेल में साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। उससे पहले हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन, दैट इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट में दोबारा आपका क्लियर करता चलूं, अक्सर इस पॉइंट को गलत इंटरप्रेट किया जाता है कि साइनेप्स क्या है, दैट इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। गैप नहीं होता, दैट इज अ जंक्शन। जो गैप है दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट साइनेप्स। अब साइनेप्स के लिए मैं एक आपको इन सर्कल करने लगा हूं एक पॉइंट, ये क्या है, साइनेप्स है। इस साइनेप्स में क्या क्या है, इस साइनेप्स में सारी स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, कौन कौन सी, एक्सॉन, डेंड्रॉइड, साइनेप्टिक क्लिप, साइनेप्टिक नॉब, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ साइनेप्स, जिसमें मैसेज को क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होना है। साइनेप्टिक क्लिप क्या है, दैट इज अ गैप बिटवीन द टू न्यूरोन। याद रखिएगा दो तरह के साइनेप्स होते हैं, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ साइनेप्स, कौन कौन सी, नंबर वन इज इलेक्ट्रिकल साइनेप एंड सेकेंड वन इज केमिकल साइनेप। क्या डिफरेंस है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल साइनेप और केमिकल साइनेप में मेजर डिफरेंस है उनके साइनेप्टिक क्लेफ्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं इनका साइनेप्टिक क्लेफ्ट कितना होता है, 0.2 नैनोमीटर का, और जो केमिकल साइनेप्स होता है इसमें नियर अबाउट 20 नैनोमीटर का साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं उनमें दो न्यूरॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है और उनमें मैसेज जल्दी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रा यूज़ करके हम स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहाँ कहाँ मौजूद होंगे। आपका ब्रेन मैसेज को जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करना है, मैसेज को जल्दी जल्दी इंटरप्रीट करना है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन के दरमियान मैसेज को ट्रांसपोर्ट होना है, तो वहां पे क्या मौजूद होंगे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, मैसेज जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यहां तक ये भी कहा जाता है कि ड्यूरिंग इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स दो न्यूरॉन आपस में फिजिकली कनेक्टेड होते हैं बाई चैनल प्रोटीन, और वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत भी नहीं होती, मैसेज एक न्यूरॉन से जल्दी से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और जो केमिकल साइनेप्स होते हैं इनमें जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट का डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है और केमिकल रिक्वायर्ड होता है, इस वजह से इसको केमिकल साइनेप्स कहते हैं। वो केमिकल क्या है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने नर्व इम्पल्स में ये बात पढ़ी होगी कि हमारे पास टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं, जब एक नर्व क्या स्टेट होती हैं, एक स्टेट होती है हमारे पास पोलराइज्ड स्टेट, जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन, एक होती है डीपोलराइजेशन और एक होती है हाइपरपोलराइजेशन। आपने क्या कहा कि नर्व इंपल्स जो है बेसिकली क्या है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, जो सेल होता है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रिकल चेंज होता है जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको हम नर्व इंपल्स का नाम देते हैं। और जब हम इसका पोटेंशियल मेजर करते हैं तो हमारे पास जो पोलराइजेशन स्टेट है नॉन कंडक्टिंग स्टेट है, जिसमें सेल कंडक्ट नहीं कर रहा होता, मेम्ब्रेन कंडक्शन नहीं कर रही होती, और हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -70 mV। डीपोलराइजेशन की स्टेट में हमारे पास सेल कंडक्टिंग स्टेज में चला जाता है और ये हमारे पास क्या होता है, +50 mV। फिर हम आ जाते हैं हाइपर पोलराइजेशन की तरफ, सेल फ्रॉम कंडक्टिंग टू नॉन कंडक्टिंग स्टेज, और नॉन कंडक्टिंग स्टेज में पोलराइज होना था बट वो हाइपर पोलराइज हो जाता है, जिसमें वो चला जाता है -90 mV की तरफ। अब हम ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाते, ये पॉइंट हम इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें साइनेप्स पे इन चीज़ों को डिस्कस करना है। अब किस तरह डिस्कस करना है, साइनेप्स का मैकेनिज्म क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। बेसिकली जब मेम्ब्रेन क्या होती है, कंडक्शन स्टेट में आती है, तो उसके सोडियम गेट्स जो होते हैं ओपन होते हैं और इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होता है। अब वो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम कैसे होता है, इस बात को हम समझते हैं। बेसिकली जो नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्ट हो रही है उस टाइम मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है दैट इज +50 mV,
और जब ये पोटेंशियल मेम्ब्रेन पे पहुंचता है तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, देर आर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। जो ही ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो कि असल में एक्शन पोटेंशियल है, जब ये यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे जो गेट्स होते हैं स्पेशलाइज्ड गेट कैल्शियम गेट्स गेटेड गेट्स ये ओपन हो जाते हैं, और इनके ओपन होने से क्या होता है, जो हमारे पास कैल्शियम होती है कैल्शियम एंटर होना शुरू हो जाती है इनटू द सेल, और सेल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जो ही सेल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, हम जानते हैं साइनेप्टिक नॉब के अंदर देर आर स्पेशल साइनेप्टिक वेजिकल, और इन साइनेप्टिक वेजिकल के अंदर क्या होते हैं, देर आर स्पेशलाइज केमिकल विच आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन क्या है, बेसिकली यही वो सब्सटेंसेस हैं, यही वो कंपोनेंट हैं जो कि एक साइनेप्टिक रीजन से साइनेप्टिक वेजिकल से या एक न्यूरॉन से मैसेज को क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, न इंपल्स अराइव हुई ऑन टू द साइनेप्टिक नॉब। सेकंड स्टेप क्या हुआ, जो गेट थे दैट ओपन कैल्शियम गेटेड जो वोल्टेज गेटेड चैनल से ओपन हो गए, कैल्शियम एंटर हो गया इन टू द सेल इन टू द साइनेप्टिक नॉब। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप ये होगा कि ये कैल्शियम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, जो प्रोटीन क्या करेंगे, इन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए एक मैसेज होंगे, और न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रोसेस शुरू कर देते हैं जिसको हम कहते हैं डॉकिंग। डॉकिंग क्या है, दैट न्यूरोट्रांसमीटर मूव टूवर्ड द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ये क्या करते हैं बेटा, अटैच हो जाते हैं। और जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ये बेसिकली अटैच हो जाते हैं तो ये बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस अपने न्यूरोट्रांसमीटर को भेज देते हैं इन टू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या आ जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब क्या होगा, इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे वो रिसेप्टर्स जो कि कहाँ मौजूद हैं, विच आर प्रेजेंट इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हम उन रिसेप्टर्स की स्ट्रक्चर थोड़ी सी बना देते हैं जस्ट लाइक दैट। ये रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या है, ये उन मैसेज को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम ऐड करते जाते हैं, अभी डेंड्रॉइड की जो मेम्ब्रेन है ये नॉन कंडक्टिंग स्टेज में है, नॉन कंडक्टिंग स्टेज में इसका जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, दैट इज -70 mV। अब जब ये न्यूरोट्रांसमीटर इस मेम्ब्रेन पे पहुंचेंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को या इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को फ्रॉम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दे हैव टू शिफ्ट दैट मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू +50 mV, ताकि मेम्ब्रेन जो है वो कंडक्शन स्टेज में चली जाए, कंडक्टिंग स्टेज में चली जाए। अब इसको कंडक्ट करने के लिए क्या होगा, यही न्यूरोट्रांसमीटर इस मेम्ब्रेन के वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं सोडियम के उनको ओपन करेंगे। इन फ्लक्स ऑफ सोडियम का होना जरूरी है, हम जानते हैं इन फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है फ्रॉम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट विल शिफ्ट टू एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और मेम्ब्रेन क्या करेगी, कंडक्टिंग स्टेज में चली जाएगी। यहाँ पे एक और बात ऐड करते जाएं, हम हमारी पंजाब की बुक कहती है, फेडरल की बुक कहती है कि देयर शुड बी अ थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस।